47,000 रुपीज़ जो है आपकी आ रही है कॉस्ट सीएनजी को चलाने की, एंड जो ईवी को चलाने की कॉस्ट जो आ रही है, जो रियलिस्टिक है बिल्कुल 26,380 आ रही है। सीएनजी कार्स लें या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करें। हाल ही में दोस्तों जैसे जैसे जिन लोगों की बहुत ज्यादा रनिंग होती है पर डे के बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं पेट्रोल से शिफ्ट होकर सीएनजी की तरफ जाते हैं, एंड अब उनके पास सीएनजी के अलावा भी एक नया ऑप्शन आ चुका है जो कि है ईवी या फिर इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। अब बीते कुछ टाइम में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक इवॉल्व हो रहा है, तो अब हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं 10 लाख के अंडर भी, जो आपको एक सिटी लेवल पर अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट सवाल ये उठता है, क्या हमें सीएनजी पे ही रहना चाहिए या फिर हमें सीएनजी से मूव होकर अब इलेक्ट्रिक की तरफ चले जाना चाहिए? तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट लास्ट में पता लग जाएगा कि आपके लिए सीएनजी बनी है या फिर आपके लिए इलेक्ट्रिक बनी है। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक चीज दोस्तों आपको और बता दूं इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि इस वीडियो में जो जो मैंने डेटा लिया है वो मैंने बिल्कुल एकदम 99% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल रियलिस्टिक डेटा लेने की पूरी कोशिश करी है। तो आई होप जो रियल वर्ल्ड आपके जो स्टैट्स निकल कर आएंगे वो काफी हद तक जो मेरा डेटा जो मैं बताने वाला हूँ उस वीडियो में वो मैच करेगा। तो दोस्तों आ चुके अपनी हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे। अब उससे पहले आपको एक चीज थोड़ा सा हम लोग और रियलिस्टिक हो जाए, तो आ जाते हैं अपने दोस्तों गूगल मैप्स पे, एंड हम लोग दिल्ली के एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि दिल्ली के एग्जाम्पल से काफी लोग रिलेट कर पाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि आप वैशाली मेट्रो स्टेशन से ट्रेवल कर रहे हो गुड़गांव में हुडा सिटी सेंटर, एक रफ आइडिया ले लिया मैंने। तो आप देख सकते हैं जो ये एक साइड की आपकी जो टोटल किलोमीटर्स पड़ रहे हैं वो आपके 44 पड़ रहे हैं, इसको हम लोग रफली 50 मान लेते हैं। तो एक साइड के आपके 50 हो गए, एंड लॉट ऑफ एरिया आपकी 100 किलोमीटर्स की हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस, ये हमारा सिनेरियो हो गया कि आपकी 100 किलोमीटर्स की रन है पर डे की, तो आपके जो मंथली रनिंग हो गई आपकी 3000 हो गई, एंड 36,000 आपकी ईयरली हो गई। तो उसको हम लोग सैटरडे संडेज वगैरह सब निकाल के, तो आप एवरेज मान के चल रहा हूं कि आप 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हो साल में। तो इसके बेसिस पे हम लोग ईवी का कैलकुलेट करेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग सीएनजी का कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं कि मैंने लिखे हुए वेरिएंट, उस वेरिएंट की क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या वो क्लेम्ड एवरेज दे रहा है, कॉस्ट पर केजी इन दिल्ली, ये मैंने पर्टिकुलरली अभी सीएनजी की बात कर रहा हूं, अभी जो ईवी वाला का उसका मैंने अलग अलग एक्सेल तैयार कर रखी है। टोटल रनिंग पर ईयर इसको यहाँ ये मेंशन कर लेते हैं कि हमारी 30,000 होने वाली है, 30,000 लिख लिया हमने। ठीक है, तो और फिर नेक्स्ट है टोटल सीएनजी यूज्ड पर ईयर, ये हमारी जो भी सीएनजी यूज्ड होने वाली है अभी कैलकुलेट करके पूरा बताने वाला हूँ। सीएनजी पर ईयर कॉस्ट आ जाएगी, अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसी गाड़ी चूज करी जिसकी एक सीएनजी वेरिएंट भी आता है और उसका ईवी वेरिएंट भी आता है, एंड मैं बात कर रहा हूँ टाटा टियागो की। तो मैंने क्या करा है, टाटा टियागो का जो बेस वेरिएंट आ रहा है सीएनजी में, जो बेस वेरिएंट आ रहा है ईवी में, उसको मैं अपना बेस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग जो डेली रनिंग वाले होते हैं उनको एक चीपर कार चाहिए होती है जो आप अच्छी खासी माइलेज निकाल के दे दे। तो वेरिएंट पे चलते, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, टाटा टियागो का एक्सी वेरिएंट जो कि सीएनजी वेरिएंट हो गया, बेस वेरिएंट आता है ये, एंड इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ती है दिल्ली में वो 7,40,000 के आसपास पड़ती है। अब कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो 26 का करती है, बट मैं रियलिस्टिक माइलेज रख के इसको 24 का लेके चल रहा हूँ कि रियल लाइफ में 24 का माइलेज निकाल के दे देगा। अब मैंने गूगल करा था और मैं खुद भी एक दो बार सीएनजी वगैरह के पंप्स पे जा चुका हूँ दिल्ली में, तो एवरेज जो सीएनजी की कॉस्ट पड़ती है वो दिल्ली में लगभग 74 के आसपास पड़ती है। अब अगर हम लोग डिवाइड करें 30,000 किलोमीटर्स को हमारे 24 क्लेम्ड एवरेज से, 1250 ऑफ सीएनजी पड़वानी पड़ेगी हमारी गाड़ी में। अब अगर मैं इस 1250 को मल्टीप्लाई करूं 74 केजी से, मतलब 74 रुपीज से, तो लगभग हमें 92,500 रुपीज की सीएनजी डलवानी पड़ेगी अपनी गाड़ी में, एंड अदर एक्सपेंसेस में लेके चल रहा हूँ लगभग गाड़ी की जो मेंटेनेंस वगैरह है वो लगभग 4,000-4,500 रुपये आ जाती है, तो 4,500 रुपीज़ हम अदर एक्सपेंस कर लेते हैं। तो टोटल हमारी जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई, 97,000 रुपीज़ पर ईयर। मतलब हमें 97,000 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे एक सीएनजी गाड़ी को चलाने के लिए अगर हमें 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है साल भर। तो ये पूरा सिनेरियो आ गया हमारा सीएनजी का। अब चलते हैं अपनी नई एक्सेल शीट में, इसको कर लेते हैं कॉपी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक वाले वेरिएंट की। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक वाला वेरिएंट है टाटा
टियागो ईवी एक्सी वेरिएंट, ठीक है। इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ रही है, इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ रही है दिल्ली में, वो लगभग 9,40,000 के आसपास पड़ रही है। अब जो क्लेम्ड एवरेज, या फिर मैं क्लेम्ड रनिंग कर लूं यहाँ पर चार्ज, क्लेम्ड रनिंग पर चार्ज, अगर मैं, ये कंपनी बोल रही है 250 बोल रही है, बट मुझे लगता है रियल वर्ल्ड में 170 180 से ऊपर नहीं चलेगी, तो अभी के लिए मैं 180 किलोमीटर्स रेंज मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब दिल्ली में अगर मैं बिजली की बात करूं, यूनिट प्राइस इन दिल्ली, बिजली का प्राइस तो लमसम मान के चल रहा हूं 7 रुपए चल रहा है, वो वेरी भी कर सकता है एरिया टू एरिया या फिर लोड टू लोड। अभी के लिए हम लोग बिल्कुल बिल्कुल जो रियलिस्टिक प्राइस है वो लेके चल रहे हैं। टोटल रनिंग हमारी वही 30,000 होने वाली है, 30,000 हमारी टोटल रनिंग हो गई, ठीक है। टोटल यूनिट्स यूज्ड पर ईयर, अब हमें टोटल यूनिट्स यूज्ड पर ईयर निकालना होगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 30,000 को हमें 180 से डिवाइड करना होगा। 180 से डिवाइड करने के बाद यानी कि हमारे पास जो रेंज निकल कर आएगी वो लगभग हमने अपनी गाड़ी को 167 टाइम्स चार्ज करना होगा। और क्योंकि हमारी जो यहाँ पे बैटरी पैक है वो 19.2 किलोवाट का है, 19.2 किलोवाट का हमारा बैटरी पैक है, तो हमारे को लगभग 20 यूनिट लगेंगी, लगभग 20 यूनिट्स लगेंगी, क्योंकि 19 किलोवाट को चार्ज करने के लगभग 19 यूनिट्स लगेंगी चार्ज होने के लिए। बट क्योंकि एनर्जी लॉस वगैरह भी होता है, तो उस वजह से हम लोग क्या मान रहे हैं कि हमारे को लमसम जो है 20 यूनिट्स ही लगने वाले हैं। तो अगर हम लोग 167 को 3,340 यूनिट्स लगने वाली हैं अगर हम 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हैं। अब अगर इसकी कॉस्ट निकालें तो हमें 3,340 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 रुपीज पर यूनिट से, तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग, तो इंटू 7 कर लिया हमने, 23,380 रुपीज, 23,380 रुपीज। और उसके अलावा अगर हम लोग और अदर एक्सपेंस माने जो हम लोग को साल भर में खर्चा होगा, थोड़ा सा ओवर ही लेके चल रहे थे क्योंकि कभी कभार घर का लोड वगैरह भी बढ़वाना पड़ता है, तो हम लोग 3,000 रुपये और ऊपर से लेके चल ले रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट एक ईवी को चलाने की जो हमारी आ रही है वो 26,380 रुपीज़ आ रही है। तो देख सकते हैं 26,380 रुपीज़ आ रही है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि जो ये वाला टोटल एक्सपेंस है तो कॉपी कर लेते हैं, तो आपके सामने अब देख सकते हैं 97,000 रुपीज जो है आपकी आ रही है कॉस्ट सीएनजी को चलाने की, एंड जो ईवी को चलाने की कॉस्ट जो आ रही है, जो रियलिस्टिक है बिल्कुल 26,380 आ रही है। 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं बट मुझे लगता है काफी हद तक रियलिस्टिक है। एंड अब बात करते हैं फाइनली क्या आपको ईवी परचेस करनी चाहिए या फिर आपको सीएनजी परचेस करनी चाहिए। अब देखिए इन दोनों के ऑन रोड प्राइस का मैं, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं दोनों में कितना डिफरेंस है, 1,90,000 का डिफरेंस है, 100,000 से लाख 1,90,000 का डिफरेंस आ रहा है इनके ऑन रोड प्राइस में, ठीक है। एंड हमें 26,380 रुपीज का कॉस्ट आ रही है ईवी को चलाने की, तो लगभग आपको 2.5 साल बाद, आफ्टर 2.5 ईयर्स, आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने पे करी ईवी को खरीदने की वो आपकी रिकवर हो जाएगी अगर आप हर साल 30,000 किलोमीटर चलाते हैं। तो उसके बाद आपकी फिर जो नॉर्मल है ईवी जो है वो एक सीएनजी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सीएनजी की जो साल भर की एक्सपेंसिव है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब दोस्तों सवाल फाइनली ये निकल कर आता है कि क्या आपको ईवी परचेस करनी चाहिए या फिर अभी भी सीएनजी की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा एक कुल मिला के अगर डेटा को देखो तो डेटा को देखने के बाद डेफिनेटली 2.5 साल के बाद आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम निकल कर आ रही है, तो उस हिसाब से तो आपके लिए ईवी अच्छी है। बट बस एक चीज का दिक्कत है कि क्योंकि आपके दिमाग में एक वो जो माइंड सेट, एक माइंड में 180 किलोमीटर या रेंज जो घुस जाती है ना, तो उस वजह से आप उतना फ्री माइंड सेट से गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि हमेशा आपके दिमाग में ये रखना होगा कि भाई मुझे इतने किलोमीटर के बाद, लगभग आप समझ लो 170 180 की रेंज है, तो लगभग आपको 100 110 जैसी कर लोगे
आप हमेशा दिमाग में ये रहेगा कि भाई कि इसे चार्ज करना है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके अगर नॉर्मल चार्जर से चार्ज कर रहे हो तो कंपनी तो वैसे बोल रही है 7 घंटे लगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है 9-10 घंटे से पहले गाड़ी चार्ज नहीं होगी। एंड वैसे दूसरे जो बहुत फास्ट चार्जर है, जो टाटा पावर का जो फास्ट चार्जर है, वो लगभग कह रहे हैं कि 58 मिनट में चार्ज हो सकती है, बट वो केवल लॉन्ग बैटरी रेंज के साथ ही पॉसिबल है। तो यार चार्जिंग का एक तो टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर आप तो कुल मिला के यही मेरे को लगता है कि ईवी उनके लिए अच्छी है जो ए से बी पॉइंट मूव करते हैं डेली, बिल्कुल ऑफिस जाते हैं, उनके ऑफिस में भी चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ चार्ज कर लिया फिर वापस निकाल के अपने घर वापस आ गए, इस तरह से कर सकते हैं। सीएनजी में क्या बेनिफिट है भाई, एक तो उसमें सीएनजी का भी ऑप्शन है, पेट्रोल का भी ऑप्शन है। सीएनजी खत्म होगी, पेट्रोल पंप हर जगह है, गाड़ी में मस्त डालो चलो, ठीक है। डेफिनेटली जो कॉस्ट है सीएनजी की वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक, बट उसमें पीस ऑफ माइंड मेरे ख्याल से ज़्यादा है। आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंसोगे नहीं, आपका सीएनजी खत्म हो गया, आपने पेट्रोल से चार्ज कर लिया, पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल से मस्त चले। एंड तो मुझे ये लगता है कि पेट्रोल सीएनजी वाला जो है वो पीस ऑफ माइंड देता है, बट उस ईवी कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। दोस्तों यही थी कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको बताना था मुझे सीएनजी और ईवी के बारे में कौन सी रहेगी आपकी पॉकेट के लिए फ्रेंडली। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी, किसी वीडियो पसंद आए डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन मी हर्षित साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ऑलवेज ड्राइव।